हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम के अंदर आप लोग दूसरा आईडी को लॉगिन किस तरह से कर सकते हो। मान लीजिए दोस्तों, आपका दोस्त का आईडी लॉगिन करना है या गर्लफ्रेंड का लॉगिन करना है, कोई अदर पर्सन का लॉगिन करना है, तो किस तरह से लॉगिन कर सकते हो आप लोग को इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताऊँगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह वीडियो देखने के लिए। तो चलिए पूरा डिटेल्स में बात करते हैं कि किस तरह से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको सिंपल सा आपको अपना प्रोफाइल में आ जाना है। यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग अपना प्रोफाइल में आएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस शो करने लगेगा। प्रोफाइल में आने के बाद सबसे ऊपर में ही देख सकते हो, आपको यहाँ पे प्रोफाइल का यूजर नेम शो कर रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यूजर नेम वाला ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, नीचे में ही देख सकते हो आपको यहाँ पे इस तरह से पॉपअप ओपन हो जाएगा। आपके अकाउंट के नीचे यहाँ पे देख सकते हो ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो आपको सिंपल से यहाँ पे ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उस पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, लॉगिन इनटू एक्सिस्टिंग अकाउंट और दूसरा ऑप्शन में मिलेगा क्रिएटिंग न्यू अकाउंट। तो आपको यहाँ पे नया अकाउंट बनाना नहीं है, बट दोस्तों दूसरा आईडी आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट जो है यहाँ बन चुका है, उसको सिर्फ लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए सिंपल सा लॉगिन इनटू एक्सिस्टिंग अकाउंट वाला ऑप्शन, तो जैसे ही आप लोग लॉगिन इनटू एक्सिस्टिंग अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे कर क्या करना है, आपको यूज़र नेम डालना है, जो भी आपका यूज़र नेम है। ठीक है, मान लीजिए अगर आप फ़ोन से लॉगिन करना चाहते हो तो नंबर से भी लॉगिन कर सकते हो। तो दोस्तों जो भी आप यूज़र नेम है, मान लीजिए जो यूज़र नेम मैंने सबसे फर्स्ट टाइम में आपको दिखाया, वही यूज़र नेम को डालना है जो भी आपका दोस्त का यूज़र नेम है। तो चलिए मैं एक यूज़र नेम यहाँ पर डाल देता हूँ, मैं दूसरा आईडी का यूज़र नेम यहाँ पर डाल देता हूँ। एक यूज़र नेम डाल देना है, या अगर आपके पास दोस्त का फ़ोन नंबर है तो उसका नंबर भी डाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो पासवर्ड कैसे पता करना है, पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड अगर आपको याद नहीं तो सिंपल से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, गूगल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गूगल वाला ऑप्शन पर क्लिक करने का तो यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पे एड्स का, यहाँ पे ऑटो फिल का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपल से आपको यहाँ पे ऑटो फिल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऑटो फिल वाला ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो ऑटो फिल विथ गूगल का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल से आपको यहाँ पे सबसे पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे देख सकते हो नीचे में आपको पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, पासवर्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पासवर्ड मिल जाएगा, जो भी आपने पासवर्ड यहाँ पे सेव कर रखा है। तो आप लोग यहाँ से पासवर्ड को यहाँ पे देख लेना। पासवर्ड देखने के बाद आपको सिंपल सा इसमें आना है और जो भी आपका पासवर्ड है यहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे एंटर करूँगा देखेंगे कि मेरा दूसरा जो आईडी है यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर दिया। पासवर्ड जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं हमारा दूसरा जो आईडी है यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड जो है यहाँ पे गूगल में सेव हो जाएगा, गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगा। जिस तरह से देख सकते हैं दोस्तों, हमारा दूसरा जो आईडी है यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला बार में एक ही अकाउंट था, अभी मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पे देख सकते हो दो अकाउंट हो चुका है। अब दोनों में से मुझे कोई भी अकाउंट को यहाँ पे ओपन करना होगा तो मैं इस तरह से यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ, दोनों अकाउंट को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैं इस अकाउंट को भी यूज कर सकता हूँ, जो मैंने अभी लॉगिन किया उसको मैं भी यूज कर सकता हूँ। तो आपको इसी तरह से दूसरा आईडी को लॉगिन करना है, आपको यूजर नेम डाल देना है जो भी आपका दोस्त का यूजर नेम है या आपका यूजर नेम है या आपके दूसरा आईडी का यूजर नेम है, और पासवर्ड आपको डाल देना है। जैसे पासवर्ड डालेंगे तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है यहाँ पे दूसरा जो आईडी है यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। आप लोग दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट ऐड कर सकते हो, जितना चाहो उतना आप लोग अकाउंट को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और जितना यूज करना चाहते हो सब अकाउंट को यहाँ पे एक ही फोन में यूज कर सकते हो। तो जल्दी से आइए, आप लोग इस तरह से यूज कीजिए। इस प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको आपको पासवर्ड पता नहीं चलता है तो मैंने जो तरीका बताया उसमें जाइए, आप लोग यहाँ पे गूगल में पासवर्ड देखिए, आपको वहाँ पे पासवर्ड मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ पे पासवर्ड देखकर लॉग इन कर सकते हो। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह वीडियो देखने के लिए। हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ। टेक केयर।